ये बाबा का चमत्कारिक बटुआ है। ये चमत्कारिक बटुआ मैं इसलिए कहता हूँ कि उस ज़माने में बाबा दूर दूर से आने वाले साई भक्तों को पैसा देते थे। वो पैसा कहाँ से आता था, कौन देता था, ये किसी को मालूम नहीं था। उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा के ऊपर ध्यान दिया, नज़र किया दिया कि ये आदमी पैसा कहाँ से लाता है। तब बाबा को कोर्ट में हाजिर किया कि आप पैसा कहाँ से लाते हो। तब बाबा ने ये बटुआ से पैसे निकाल के कोर्ट में फेंकने शुरू किए। तब कोर्ट जहाँ के जो लॉयर लोग थे सब अचंभित रह गए कि ये आदमी पैसा कहाँ से फेंक रहा है। तब बाबा बोले, ये तो चमत्कारिक बटुआ है, ये कुबेर का भंडार है, वो मुझे देता है और मैं लोगों में बांटता हूँ, इसमें मैं क्या बुरा करता हूँ। तब बाबा जो जॉर्ज विस्टन बोल के जज थे, वो भी बाबा के ड्यूटी हो गए। तो ऐसा ये चमत्कारिक बटुआ जो बाबा ने इसका भी उपयोग जो गरीब भक्त थे बाबा, जो बाबा के दर्शन के लिए आते थे, उनके लिए किया। तब ये ऐसा चमत्कारिक बटुआ हमारे कोते परिवार में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो इसके प्रति बहुत असीम सेवा कृपा असीम धारणा से या उसकी सेवा करते हैं, इसकी पूजा अर्चा करते हैं। ऐसा ही एक वस्तु हमारे जो भाई है राजेंद्र सुभाष कोते पाटिल, उनके घर में भी है। आप अवश्य उसका लाभ लीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, ऐसे हमें लगता है। क्योंकि ये बाबा की बहुत अनमोल चीज़ है, बाबा हमेशा इसको पास रखते थे। बाबा ने ये चीज़ खुद अपने हाथों से स्टिच किए हुए सी हुई है। तो ऐसी बहुत बाबा के पास रही हुई चीज़ का आप दर्शन लीजिए, ऐसी हमारी धारणा सभी साई भक्तों से है। जब बाबा के पास से जब कपनी था, कपड़े का कपनी था जो अपन पॉकेट बोलते, वो जो बाबा के पास था, वो जिसके अंदर से बाबा पैसा निकालते थे, लोगों को बांटते थे, वो कपनी हमको बाबा ने उस टाइम दिया, हमारे परदादों को दिया। साई बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चमत्कार किए। वो उनके पास जो लोग आते थे, जो समझो मदारी आते थे, कुछ कलाकार आते थे, उनके सामने कला पेश करते थे, तो उनको वो पैसा देते थे। कोई भी काम वो किसी से भी करवा लेते तो उसका पैसा देते थे। किसी से भी मुफ्त काम नहीं लेना, उसका किसी का कष्ट मुफ्त में नहीं लेना, ये उनकी खास सीख थी। और दूसरी बात ये है कि शिरडी में जो ऐसे कुछ लोग थे जिनको बाबा रोज़ कुछ ना कुछ पैसा देते थे, तो वो रोज़ लगभग 250 रुपये, 200 से 250 रुपये रोज़ बांटते थे, बाकी गरीबों में बांटते थे। ये इस कारण इतने वो लोग बांटते थे तो ब्रिटिश सरकार की नज़र उस पर गई, तो उन्होंने इनकम टैक्स का एक ऑफिसर यहाँ भेजा। तो फिर पता चला वो बाबा को कौन दक्षिण देता है और बाबा किसी को देता है। उन्होंने सब ये उसका रिकॉर्ड रखा, तो ऐसा पता चला कि बाबा को पैसे तो कम आते थे लेकिन बाबा तो ज़्यादा बांटते थे। तो इसकी वजह से वो उन्होंने ब्रिटिश ने वो ये कोशिश छोड़ दी इनकम टैक्स लगाने की, लेकिन बाबा जिसको पैसे देते थे उन पर ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स बिठाया। बाबा जब भी पैसे देते थे तो वो अपनी वो कपनी पहनते थे और कपनी में दोनों बाजू में जेबें रहती थी, तो उसमें से वो जैसे जैसे पैसे जितने चाहिए उतने पैसे वो निकाल के देते थे। एक मज़ेदार बात ऐसी है, उनका जो लेफ्ट साइड का जेब था वो 6-7 इंच था और जो दूसरा राइट साइड का था वो 20-22 इंच लंबा था, वो बहुत बड़ा लंबा था। वो उस जेब से पैसे निकाल के देते थे। आखिर में भी जब भी उनका निर्वाण हुआ द्वारकामय में 15 अक्टूबर 1918 को, तो आखिरी समय भी उन्होंने जो लक्ष्मीबाई को 9 सिक्के दिए
वही जेब से निकाल के दिए। तो साईं बाबा का जो बटवा था वो मेरे ख्याल से कुबेर का बटवा था। तात्या को ये बटुआ देके बाबा ने कुते परिवार के ऊपर धन्यता दी। तब ये यहाँ बहुत सारे लोग जिनको मालूम है वो आते हैं अपने दर्शन करके बहुत अच्छे पॉजिटिव आशीर्वाद लेके और सकारात्मक विचार लेके यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये बटुए से यहाँ का वातावरण निश्चित ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, ऐसी हमारी धारणा है। और यहाँ आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं जाएगा। ओम सहराम। आप सभी से प्रार्थना है, अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि साईं बाबा के पावन भूमि से जुड़ी हर खबर बात आपको समय पर मिले। धन्यवाद।